प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। 12 मार्च की रात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की सेहत अचानक बिगड़ी। बिग बी ने खुद अपने ब्लॉग में खराब स्वास्थ्य की जानकारी दी, जिसके बाद फैंस मायूस हुए और उनके स्वस्थ होने की दुआ करने लगे। एक बार फिर लगता है फैंस की दुआ कबूल हुई, क्योंकि बिग बी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, ऑल इज वेल विद द मेगा स्टार। और इस बात को कंफर्म कर दिया उनकी बीवी जया बच्चन ने। मिसेस बच्चन ने अपने पतिदेव के हेल्थ की जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के शूटिंग के दौरान भारी कॉस्ट्यूम पहनने से उनकी पीठ में दर्द हो गया था। रिपोर्टेडली जया बच्चन सेड, अमित जी इज फाइन, ही हैज पेन इन द बैक एंड नेक, द कॉस्ट्यूम्स आर वेरी हैवी, सो देयर इज सम पेन, अदरवाइज ही इज फाइन। अमिताभ बच्चन को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मुंबई से डॉक्टरों की टीम आई और उनका चेकअप किया। चेकअप के बाद थोड़ा आराम किया बिग बी ने, और फिर 13 तारीख की शाम 5 बजे बिग बी ने सोचा कि द शो मस्ट गो ऑन, और पहुंच गए मेहरानगढ़ शूटिंग स्पॉट पर, और वहां से उनके सेट पर लौटने की तस्वीरें वायरल हुई। तबीयत में सुधार आने के बाद बिग बी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वे स्वस्थ है। उन्होंने लिखा, कुछ कष्ट बढ़ा, चिकित्सक को चिकित्सा के लिए बुलाना पड़ा, इलाज प्रबल, स्वस्थ हुए नवल, चलो इसी बहाने अपनों का पता तो चला। सीनियर बच्चन पीरियड फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के शूटिंग में बिजी है, और उनका एक लुक पहले ही इंटरनेट पर लीक हुआ था, लेकिन 13 मार्च 2018 की रात को सोशल मीडिया पर उनका एक और लुक सामने आया। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये लुक थग्स ऑफ हिंदुस्तान से ही है या फिर कुछ और, लेकिन जो भी है, इस लुक में उन्हें वाकई में पहचान पाना मुश्किल है। वेल, फिलहाल बिग बी की सेहत एकदम ठीक है, और हम यही दुआ करते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और वो इसी तरह से सभी का मार्गदर्शन और सभी को एंटरटेन करते रहे।